नमस्कार फ्रेंड्स। कहते हैं बच्चे देश का फ्यूचर होते हैं, देश का भविष्य होते हैं। अगर उनको सही दिशा निर्देश दिया जाए तो वो अपना अपने देश का नाम अवश्य रोशन करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे ही लड़के की जिसका नाम है शिव, जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता है। शिव पढ़ने में बहुत होशियार है और उसके माता पिता को, उसके गली मोहल्ले वालों को, उसके गांव के लोगों को शिव पर बहुत नाज है। शिव एक राइटर बनना चाहता है। वो एक इटालियन लेखक की किताबें पढ़ता है और उसी की तरह ही एक बहुत महान, बहुत बड़ा राइटर बनना चाहता है। इसके लिए वो छुप छुप कर उसकी किताबें पढ़ता है और ऐसे ही उसने रात में अपनी पढ़ाई के साथ साथ 5 खुद की किताबें भी लिखी। लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि शिव अच्छे से पढ़ लिख जाए, इस योग्य बन जाए कि वो एक सरकारी नौकरी कर सके। इसलिए वो उस पर दबाव डालते हैं कि उसे पढ़ाई की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आखिरकार शिव को अपने पेरेंट्स के आगे झुकना पड़ता है और वो अपने राइटिंग का सपना छोड़ देता है और वो पढ़ने की तरफ ध्यान देने की कोशिश करता है। लेकिन होता क्या है, शिव डिप्रेशन में आ जाता है, वो पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। ऐसे में उसके पेरेंट्स को बहुत चिंता होती है। वो सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उनके बच्चे ने पढ़ाई करना छोड़ दिया। तो एक गांव का एक बुज़ुर्ग आकर उसके पेरेंट्स से कहता है, आप जाके इसके टीचर से मिलो और उससे बात करो कि आखिर वजह क्या है। पेरेंट्स टीचर के पास जाते हैं, टीचर से बात करते हैं तो शिव का टीचर उसे बताता है कि आपका बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार है, लेकिन कुछ दिनों से अब ये पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। आखिर आपका बेटा एक राइटर, लेखक बनना चाहता है, इसने खुद की बहुत किताबें भी लिखी हैं, क्या आपने इसकी किताबें पढ़ी हैं? पेरेंट्स कहते हैं, नहीं, हमने तो नहीं पढ़ी हैं। पेरेंट्स समझ जाते हैं कि उसे अब क्या करना है, अपने बेटे को सपोर्ट करना है, तभी उसका फ्यूचर सेफ रह सकेगा, वो उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। पेरेंट्स अपने पुत्र शिव को सपोर्ट करते हैं और शिव भी बड़ा मन लगाकर अपना राइटिंग का काम शुरू कर देता है और एक अच्छा नामी कामी लेखक बनता है, अच्छी इनकम अर्न करता है और अपने परिवार की सहायता भी करता है। ये कहानी है उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों की भावनाओं को नहीं समझते हैं, उन पर अपनी इच्छाओं को थोपते हैं, उन पर दबाव डालते हैं कि उन्हें किस क्षेत्र में जाना है, कौन सी पढ़ाई करनी है, बजाय इसके कि उनके बच्चे क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। यदि सभी पेरेंट्स शिव की तरह अपने बच्चों को सपोर्ट करें तो उनके बच्चे प्रतिभाशाली तो है ही, एक ना एक दिन वो अपने ब्राइट फ्यूचर को अवश्य हासिल कर सकते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों का सहयोग करें, ना कि उनके राह की रुकावट बने। पेरेंट्स को अपने बच्चों की सफलता की लाठी बनना चाहिए जिससे उनके बच्चे एक अच्छा भविष्य का निर्माण कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।